मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने की कोशिश की जाएगी और अगर 15 अगस्त तक सब सही रहा तो बाकी क्लास के लिए भी स्कूल खोले जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के भी जल्द खुलने की बात कही है। विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान हैं और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी सप्ताह में 4 दिन 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन एक बैच आएगा, क्योंकि सावधानी अभी जरूरी है और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आधी क्षमता के साथ बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे। उसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बना रहे हैं और परिस्थितियों पर नजर रखते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे तो फिर हम 9वीं 10वीं और उसके बाद क्रमशः 8वीं 6वीं से 8वीं और फिर हम 1ली से 5वीं तक की क्लासें भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अभी यहां से हम प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।